अलैकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग शाह भाई के पास हैं, आज भी लुधियाना से चल के आए एक दफ़ा फिर। और जो हमने परसों आप लोगों से बातें की थी, यकीनन बहुत सारे लोगों को फिक्र भी हो गई होगी, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का फजल और नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आज मैंने इनसे जो अभी मालूमात हासिल की हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले 1 वीक में शाह भाई अपना सफ़र दोबारा शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। और आप सब लोग दुआ भी करें, हम लोग अपने पड़ोसी मुल्क के लिए भी दुआ गो हैं, आगे भी जितने मुल्क इनके रास्ते में आएंगे उनके लिए भी दुआ गो हैं। और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे जुनैद खान साहब यहाँ जो इनके मेज़बान हैं, आफिया किड स्कूल के ऑनर जो हैं, इनके यहाँ हम लोग बैठे हैं इस वक्त स्कूल में। और शाह भाई माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं, तंदुरुस्त हैं और हौसला भी बिल्कुल बुलंद है। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कुरान पाक में है इन्नमल उसी दूसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी, हर मुश्किल के बाद आसानी। और मैं एक बात वैसे जनरली लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी इंसान, सिर्फ शाह भाई नहीं, पूरी दुनिया में जितने इंसान, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कोई भी बंदा जब कोई नेकी का काम करता है, अच्छाई के लिए काम करता है, कोई सामाजिक काम करता है और कोई पब्लिक वेलफेयर का काम करता है, तो जब वो काम शुरू होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत परेशानी आती है। तो वो परेशानी इसलिए आती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को देखते हैं कि भाई ये टिका भी हुआ है कि नहीं। इसलिए अगर ये थोड़ी बहुत परेशानी बीच में आई है तो मैं समझता हूँ कोई घबराने वाली बात नहीं, ये भी अल्लाह ही की तरफ से है। अच्छे दिन भी अल्लाह की तरफ से हैं और जो दिन में परेशानी आए वो भी अल्लाह ही की तरफ से हैं। अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह ताला इसको आसानी के अंदर तब्दील कर दे। एक बहुत मशहूर किस्सा मुझे याद आ रहा है, सुल्तान महमूद का ग़ुलाम था अयाज, तो उन्होंने एक संतरा सबको दिया खाने के लिए, एक एक पीस उसका, तो कई वज़ीरों ने खाया तो कड़वा था मौसमी, तो उन्होंने थूक दिया, तो अयाज जो है वो उसको खाता ही रहा चबा चबा के। तो बादशाह ने अयाज से पूछा कि अयाज ये बाकी लोगों ने इसको कड़वा होने की वजह से नहीं खाया और तुम इसको भी मज़े ले लेके चूस रहे हो, तो फरमाया हुजूर इन हाथों से हमेशा मीठी चीज़ें खाई हैं, अगर एक दिन कड़वी मिल गई तो क्या बात हो। तो ये भी शुक्र की बात है। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ आके खुशी भी हुई कि इनके मेज़बान जो है फराग दिल हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है मेज़बान सोचते हैं भी मेहमान ज़्यादा देर ना हो, तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि ये जो निज़ाम बनता है दुनिया का पहले से ही अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा होता है। तो ये बनना था, यहाँ इनको आना था, फिर स्कूल में रहना बनना था, ये कमरा बनना था, तो शाह भाई ने आके यहाँ पर कुछ दिन गुजारने थे, हमें इनसे मिलना था। तो ये आगे भी पता नहीं किन किन लोगों की किस्मत में अल्लाह ताला ने ये अजर जो है वो लिखा हुआ है। तो बेफिक्र रहें, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी सफ़र जो है वो अल्लाह की ज़ात से मुझे नेक उम्मीद है कि वो दोबारा शुरू होगा। आप सब लोग इनके लिए दुआ भी किया करें रोज़ाना, अपनी खसूसी दुआओं में याद रखा किया करें। मैं एक बात फिर दोहराता हूँ कि ये जो सफ़र है, शाह भाई जो सफ़र कर रहे हैं, ये अट्रैक्शन का मौजू इसलिए है, लोग तो सड़क पे आते हैं, जैसे हम भी बाज़ार जाते हैं कोई सब्ज़ी लेने, कोई शॉपिंग करने, तो ये जब सड़क पर चलते हैं तो अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल के घर की तरफ जा रहे हैं, मतलब बैतुल्ला शरीफ की तरफ जा रहे हैं और मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को जितने भी अच्छे लोग हैं उनके दिल में शौक़ है, एक तमन्ना है कि हाँ हम भी इनके साथ ज़्यारत कर लें, मुसाफा कर लें। हाँ, ज़्यारत से बात याद आई, जो लोग मिलने आते हैं शाह भाई से, भाई उनसे मेरी एक दरख्वास्त है, इन्होंने 2 टाइम रखे हुए हैं, सुबह को कितने बजे, सुबह 8:30 से 9:30, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, और शाम को 6 से 6:30। चलिए मैं गुजारिश करूँगा शाम वाला आधा घंटा और बढ़ा दीजिए, मतलब 6 से 7 कर दीजिए, या मगरिब के बाद 1 घंटा मिलवा दें। दिन में मत आइए, रात को भी मत आइए, ताकि आप भी परेशान ना हो और शाह भाई को भी कोई परेशानी ना हो। यहाँ जो साथ में इंतजाम में जो लोग लगे हैं, जो सिक्योरिटी के लोग लगे हुए हैं, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए जो आने वाले हैं, बाद अवकात लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि जी हम वहाँ पहुँच गए, कोई बात रात को पहुँच रहा है, कोई बिल्कुल दोपहर को 2 बजे पहुँचता है, तो उनसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये 2 टाइम हम आपको बता रहे हैं, सुबह 8:30 बजे आ जाइए
9:30 तक आपकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात हो जाएगी और शाम को आ जाइए और बस दुआ कीजिए कि अब हम सब की मुलाकातें मुकम्मल हुई, आगे पाकिस्तान के लोग जो है शाहब भाई से मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं शाहब भाई से गुजारिश करूंगा जरा कुछ लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ओके इंशाल्लाह मैम थोड़ा दिन का बाद इंशाल्लाह आगे चलेगा चलिए। अब हमारी भी मुलाकात अब जो है यहाँ ख़त्म हो रही है क्योंकि अब हमने भी यहाँ से वापसी लुधियाना के लिए निकलना है। तो आप सब तमाम साथियों से गुजारिश है कि शहाब भाई के लिए दिल से दुआ करें और इंशाल्लाह गालिबन हम जल्द ही आपको एक खुशखबरी जो है दोनों मुल्कों के लोगों को इंशाल्लाह ताला सुनाएंगे। बस आप दुआ कीजिए कि वो वक्त जल्दी आ जाए ताकि हम आपसे वो खुशखबरी जो है शेयर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।